हाय ऑल, वेलकम टू द अनदर वीडियो सेशन ऑन रिएक्ट जेएस। तो आज के वीडियो में हम लोग लॉगिन और रजिस्टर के बारे में कवर करेंगे और वी विल बी क्रिएटिंग द एपीआईज ओनली। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिएक्ट के एपीआईज को, रिएक्ट में उस एपीआईज को इस्तेमाल करेंगे और लॉगिन रजिस्टर दिखाएंगे किस तरह से आप यूआई बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके आप चीज़ें कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक और चीज़, में रिकॉर्डिंग कर रहा था पर अनफॉर्चुनेटली मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया और उसके वजह से मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था और कुछ सेव नहीं हुआ, तो कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे तो आप शेयर करें वीडियोस को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं नया लैपटॉप ले सकूं। बाकी सिर्फ आपको शेयर और लाइक और ये सब चीज़ें ही करनी है आपको। मैं चाहता हूँ कि सर आप फ्री में सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो एक चीज़ था, क्या मेरा जो नैव बार हो गया और ये फुटर हो गया, ये मैं स्पेसिफिकली कुछ लिंक्स पे ही दिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं डैशबोर्ड लिंक खोलूँ या फिर एडमिन पेजेस दिखाऊँ, वहाँ पे भी ये नैब बार आए, व्यू वो दैट आई डोंट नीड, एंड मैं फुटर भी वो नहीं आया। तो ठीक है, मैंने क्या जुगाड़ डाला, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको, यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये चीज़ें मैं जो मैं आपको अभी कवर करने जा रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या किया मैंने, ये app.js वाली फाइल है, ठीक है, थोड़ा इतना जूम सही है मेरे ख्याल से। कंस्ट्रक्टर बनाया, सुपर डाला है और यहाँ पे एक स्टेट बना के रखी है एडमिन फॉल्स, और मैंने ये कंपोनेंट डिड माउंट बनाया, यहाँ पे क्या डाला है const a डाल के रखा है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, ये क्या होता है, विंडो डॉट लोकेशन एच आर ई एफ आपको करंट वाला दिखा देगा कि आपका यू आर एल क्या है करंट, ठीक है। यू आर एल मतलब ये जो ऊपर यू आर एल लिख के आ रहा है आपका, उसमें मैंने क्या किया है ए डॉट इंक्लूड्स, अगर वो मेरा डैशबोर्ड है तो मैं क्या करूंगा एडमिन डॉट ट्रू, एडमिन को ट्रू कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। तो यहाँ पे आपको एल्स इफ करके और भी कंडीशन डालने हैं, जब आपका कोई अगर एडमिन का क्रड है ये सब चीज़ें, वो भी यहाँ पे इफ में डाल सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि एडमिन को ट्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल के रखा है, नॉट दिस, अगर दिस डॉट स्टेटर एडमिन नहीं है तो वो नैबार दिखाए, वरना ना दिखाए, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो नैबार दिखा देगा। तो मेरा स्टेट डॉट एडमिन अभी क्या बाय डिफॉल्ट फॉल्स डाल के रखा है, तो मेरा उस कंडीशन में नैबार दिखाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे फुटर मैंने डाल के रखा है, बाकी ये डैशबोर्ड बना हुआ है इसमें भी वही कंडीशन डाल दिया। तो मैं क्या करूँ ना, बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे ये नैब बार ये बन के आ रहा है, मैं कोर्सेज पे भी क्लिक करूँगा, कोर्सेज में भी नैब बार आ रहा है, पर मैं अगर डैशबोर्ड में जाऊँगा तो मेरा आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में, ये डैशबोर्ड थोड़ा लोड हो रहा था, ये देखिए मेरा नैबर और फुटर यहाँ नीचे से चला गया। तो ये थोड़ा सा एक जुगाड़ बोल सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई लेआउट पेज स्पेसिफिकली नहीं मिलता है रिएक्ट में, ना ही तो आपको एरियाज का कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है जो ASP.NET MVC में और ये बाकी जगह पे था। तो यहाँ पे यही चीज़ें चलती है, इस तरह से आप रिएक्ट में आपका इस तरह से आप डिफरेंट लेआउट से खेल सकते हैं, ये आपका। या फिर एक और जुगाड़ था जो आप कर सकते थे, नैबार को यहाँ पे डालने से बजाय आप स्पेसिफिकली उसी कंपोनेंट्स में बार बार रिपीट करें, पर वो एक रिपीटिव फॉर्म ऑफ थिंग हो जाएगा जो पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता, रिपीटिव फॉर्म ऑफ थिंग। आप जुगाड़ थोड़ा, ये वाला जुगाड़ बढ़िया जुगाड़ है। तो जब भी मेरे को अभी अगर मैं दूसरा मैं कैटेगरी क्रट करूँगा या फिर मतलब कोर्सेज क्रट करूँगा, तो मैं भी वहाँ पे एक डॉट एल्स में एल्स इफ करके एक और मैं कंडीशन डाल दूंगा डॉट इंक्लूड, वो वहाँ पे वो डाल दूंगा मैं। डॉट इंक्लूड क्या होता है स्पेसिफिकली, डॉट आपका वो कंटेंस ASP.NET MVC में कंटेंस होता था, उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे डॉट इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल तरीका था। बाकी अभी स्टार्ट करेंगे, आप लॉगिन और रजिस्टर पे काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई नीड ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, सो आई विल क्रिएट दैट। मेन वाले में बना रहा हूँ, ठीक है, आप चाहें तो एरिया के अंदर भी बना सकते हैं, मैं मेन वाले में बना रहा हूँ। तो कंट्रोलर यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर कंट्रोलर लिखूंगा और ये मेरा खुल जाएगा। तो मेरे को MVC कंट्रोलर नहीं चाहिए, मेरे को API कंट्रोलर चाहिए और वो भी MT चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम लोग स्क्रैच से करेंगे, हम लोग स्क्रैच से सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट कंट्रोलर में डालूंगा, .cs डाल सकते हैं, आप नहीं भी डालेंगे तब भी आपका काम करेगा, अकाउंट कंट्रोलर इस तरह से बन गया, ठीक है।
लोड हो रहा है, ऑब्वियसली लोड हो गया, और ये कंट्रोलर बेस्ड है, इनहेरिट है कंट्रोलर बेस्ड, और इसमें एरिया वीडियो डालने की जरूरत नहीं है। इसमें दो मेथड बनाएंगे, एक तो लॉग इन और एक तो रजिस्टर वाला। आई थिंक व्यू मॉडल्स में भी है मेरे पास, व्यू मॉडल नहीं है, चलो ठीक है मैं व्यू मॉडल भी बना लेता हूँ, एक एड न्यू क्लास अकाउंट व्यू मॉडल। ठीक है, मैं सारे वीडियोस में पार्ट पार्ट में शेड्यूल करूँ बनाऊंगा, क्योंकि यार फिर बाद में फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है एडिटिंग और ये सब चीज़ों करने में। ठीक है, लॉग इन व्यू मॉडल है, इसमें क्या है मेरे पास रिकॉर्ड है और ये यूज़र नेम ये है, और इसके बाद यूज़र नेम यहाँ पे यूज़र नेम डलेगा और ये पासवर्ड, दो चीज़ डालिए, बाकी डिस्प्ले रिमेंबर मी और ये सब चीज़ें मैंने डाली नहीं है अभी तक। कंट्रोल डॉट करता हूँ, रिकॉर्ड फील्ड डाल दूंगा, सॉरी कंट्रोल डॉट करेंगे भैया, कंट्रोल डॉट से काम नहीं कर रहा, ये करना पड़ेगा डाटा अनोटेशन। ठीक है, डाटा अनोटेशन से क्लास है रिकॉर्ड हो गया, ओके बाकी एरर दिखा रहा है भाई, हो तो गया फिर क्यों टाइम ले रहा है ये, चलो हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्या डाला, एक तो यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कहाँ से हो, यूजिंग द मतलब जीमेल से हो, मतलब जीमेल नहीं, यूजिंग द ईमेल आईडी हो, तो आप उस केस में ईमेल आईडी डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूज़र नेम। तो यूज़र नेम और पासवर्ड, पासवर्ड ऑलवेजली स्ट्रिंग में होगा, इंटीजर बना रखे, गुड में सेव कर रहे हैं हम लोग, और ये डिस्प्ले नेम पासवर्ड आएगा, ये डालना जरूरी है, आई डोंट थिंक ये जानना जरूरी है, फिर भी हम लोग डाल दिए। ठीक है, डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ऐसा कोई इशू नहीं है, ये स्किप भी कर सकते हैं डिस्प्ले नेम वाला। लॉग इन व्यू मॉडल की जगह ये क्या दिखा रहा है, ये इधर डॉट थोड़ा सा अलग बन के आ रहा है, सेव नहीं किया क्या मैंने, हाँ सेव नहीं किया था तो इसलिए आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं रजिस्टर व्यू मॉडल भी बना, लॉग इन के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल के कंट्रोल वी करूँगा, रजिस्टर व्यू मॉडल बना दूंगा। इसमें मेरे पास क्या है, यूज़र नेम है और एक ईमेल है, ये यूज़र नेम स्ट्रिंग है, नलेबल है, नलेबल डाल के रखा है। नलेबल क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं एस पी ऑन एंड कोर में काम कर रहा हूँ, मेरे को एक्सेप्शन दिखाएगा अगर इफ आई एम नॉट पुटिंग एज नलेबल। थोड़ा सा कैमरा ऐसा ऐसा कर देता हूँ मैं, कैमरा ठीक से मेरी फेस भी आए ठीक से। रिकॉर्ड डाल कर रखा है, मतलब रिकॉर्ड होगा ये, मतलब इसको आप फिल करना जरूरी है। ईमेल है, ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज नॉट रिक्वायर्ड आई थिंक, तो यूजर नेम आप स्किप भी कर सकते हैं। ईमेल डाला हुआ है, पासवर्ड डाला हुआ है, पासवर्ड रिकॉर्ड करा हुआ है, ये स्ट्रिंग लेंथ डाला 100, और यहाँ पे मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर लॉन्ग, एरर मैसेज दिखा दिया, मिनिमम 6 डाल कर रखा है मैंने, और डेट टाइम डेट टाइप डॉट पासवर्ड, ये एक तरह से एक वो है, इसका आप चाहें तो F12 जाके इसमें वो भी डेफिनेशन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं, और ठीक है चीज़ें आप देख सकते हैं एक्सप्लोर करके खुद से। दूसरा एक फुल नेम है और एक फ़ोन नंबर है, फुल नेम और फ़ोन नंबर है, ओके आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ठीक है आई एम मिसिंग समथिंग, उसको मैं दिखा देता हूँ मैं क्या मिस कर रहा हूँ, वो भी मैं समझ गया हूँ, हमारा ये अटक गया है क्या, अटका नहीं है, ठीक है अटका नहीं है, इसमें नीचे है ही नहीं। ठीक है, एंटिटीज में जाते हैं, विकिम यूज़र, यहाँ पे फुल नेम डाल के रखा है, ओके इट्स फाइन, मैंने फुल नेम ऑलरेडी डाल के रखा है, तो ये मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगी। ठीक है, बाकी अकाउंट व्यू मॉडल हो गया, और ये कंट्रोलर में दो एक्शन बनाएंगे लॉग इन और रजिस्टर के लिए, तो पहले रजिस्टर का कोड लिख देता हूँ, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं बिलो कि ये मेरा किस तरह से लग रहा है ये डिज़ाइन, मैंने थोड़ा यूआई चेंज कर दिया, उन्होंने कंट्रोल ऑल्ट किया, फॉन्ट कलर और ये सब चीज़ें चेंज कर दिया मैंने, फिर भी एरर दिखा रहा है। विकिम डॉट एंटिटीज एप्लीकेशन सेटिंग में भी गड़बड़ है क्या? इसके बाद आपको पता क्या करना पड़ता है, CTOR डालना पड़ता है, टैप करना पड़ता है, अकाउंट कंट्रोलर आ जाएगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो है ना इसी को उठा के डालूंगा, थोड़ा सा ऊपर करने के करना पड़ रहा है, मेरा कैमरा थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है आज। यूज़र नेम साइन इन मैनेजर, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एंटर दबा के, ये आपको भी दिखना चाहिए, और यहाँ पे एक एक करके उठा लेते हैं, कुछ लोग दिस डॉट करके करते हैं, आपकी मर्जी, आपको करना है तो कर सकते हैं दिस डॉट, और यूज़र मैनेजर सजेशन दिखा देता है। ठीक है, इंटेलिजेंस दिखा रहा था बहुत बढ़िया, मैं चाहूँ तो उसी का इस्तेमाल करूँगा, मुझे बहुत पसंद है इंटेलिजेंस यहाँ पे, दैट्स द रीज़न आई जनरली प्रेफर विजुअल स्टूडियो।
पर विजुअल स्टूडियो में थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ भी करता है, लैपटॉप हीट होने के चांसेस हैं। देख लेता हूँ सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा मेरा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लॉगिन का लिस्ट, ठीक है, ऊपर डिटेल डाल सकते हैं आपकी मर्जी, आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोल्स मैनेजर करूँगा मैं, रोल मैनेजर, ठीक है, रोल मैनेजर अपना आइडेंटिटी रोल, रोल भैया आइडेंटिटी रोल है भैया, गलत सजेशन दे रहा है अभी तो, ठीक है, तो कभी अभी गलत सजेशन भी देता है, ऐसा नहीं है सही सजेशन आपको हमेशा देगा, ये बढ़िया हो गया अपना, ठीक है। आई ऑप्शंस जो है यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन सेटिंग्स बना के रखा है ना यहाँ पे, उसमें क्या किया, आई ऑप्शंस आ रहा है, एप्लीकेशन सेटिंग्स होगा, फिर ऐप सेटिंग्स का यहाँ पे डाल देंगे और ये होगा ऐप सेटिंग्स डॉट वैल्यू, या देखिए क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, असिंक एक टास्क डाला, ऑब्जेक्ट रजिस्टर डाला मैंने, उसमें रजिस्टर व्यू मॉडल से आ रहा है, उसका मॉडल ले लिया मैंने, फिर उसके बाद वार यूजर किया न्यू विकिम एम बी यूजर, उसके साथ यूजर नेम क्या आएगा, मॉडल डॉट यूजर नेम से आएगा, और ईमेल आएगा अपना मॉडल डॉट ईमेल से, मॉडल ईमेल से आएगा, और ये फुल नेम हमारा मॉडल डॉट फुल नेम, बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है, इफ़ यू वांट अ न्यू प्रॉपर्टीज शुड बी एडेड, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली गो टू दिस विकिम एमबी यूजर, जो मैंने यहाँ पे नए नए प्रॉपर्टीज आप डाल सकते हैं, जैसे इमेज का आएगा या फिर कुछ और चीज़ें आएगी, तो लेटर ऑन मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये मेरा एक एडवांटेज है, डायरेक्टली ना यूज़ करने से बजाय मैं ये आइडेंटिटी यूजर का इस्तेमाल करूंगा। वार यूजर रिजल्ट किया अवेट यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट असिंक, और ये मॉडल डॉट यूजर और मॉडल डॉट पासवर्ड, रिजल्ट किया अवेट यूजर मैनेजर डॉट सेट फोन नंबर असिंक, यहाँ पे फोन नंबर के लिए भी लिखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक आई डोंट हैव एनी फोन नंबर, मैंने फोन नंबर रजिस्टर में किया आई थिंक सो, आई डोंट थिंक आई मैंने किया है फोन नंबर, यार कोर्स सर्विस क्यों ऑन है, ये सब चीजें बंद कर देता हूँ मैं, और मेरा कहाँ गया, अकाउंट व्यू मॉडल ना, रजिस्टर में फोन नंबर है, ठीक है, फोन नंबर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, फोन नंबर के लिए मैंने क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि फोन नंबर बाय डिफॉल्ट फील्ड है, तो मुझे डालने की जरूरत नहीं है वहाँ पे विकिम एमबी यूजर में, जो जो नई फील्ड है जो हम चाहते हैं, जो मेरा जो एमवीसी प्रोवाइड नहीं करती है, वो वाले फील्ड हम लोगों को वहाँ पे डालना होता है, ठीक है, बाकी थ्रो एक्सेप्शन कर दिया और ये एक्सेप्शन मैंने ये इंस्टॉल किया, ट्राई कैश में डाल के रखा है, रिजल्ट मैंने यहाँ पे डाला है, और रिजल्ट को अवेट कर दिया मैंने, इफ डालूंगा, इफ का ब्लॉक है, यहाँ पे नॉट अवेट करूंगा, अवेट करने के बाद रोल मैनेजर लैग कर रहा है, मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, रोल्स एग्जिस्ट असिंक है, रोल्स एग्जिस्ट असिंक है, अवेट रोल्स मैनेजर डॉट क्रिएट असिंक, न्यू आइडेंटिटी रोल, अलग से वो बनाने की जरूरत नहीं, ये सर ऐसे ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है, अभी के लिए दो रखता हूँ, मॉडरेटर और मॉडरेटर भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, मॉडरेटर, और इसको अपडेट किया और ये मॉडरेटर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मॉडरेटर की जगह पे यूजर डाल देता हूँ मैं, बाकी ये जो है मैं रिटर्न ओके रिजल्ट ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, इस तरह से मेरा ये यू कैन से लाइक रोल्स एडमिन ये सब चीज़ें यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, कंट्रोल वी कर दिया मैंने, और ये लॉगिन व्यू मॉडल, लॉगिन व्यू मॉडल का इस्तेमाल करने से पहले सारे ये चीज़ें मैं इसको ले ले रहा हूँ, इनहेरिटेंस मतलब रेफरेंस कर ले रहा हूँ, ये भाई लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है मेरा, कितना टाइम लेगा यार, लोड कर रहा है, सिस्टम डॉट क्लेम्स डॉट क्लेम हो गया,
उसके बाद JWT टोकन वाले को भी इनहेरिट कर लेंगे हम लोग। देखो लोड कर रहा है, कितना ज़्यादा लोड कर रहा है। मेरा मेरा लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन अगर मैं दिखाऊँ ना, मैं आपको लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन इतना भी ख़राब है नहीं, फिर भी यार बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। 60% मेमोरी खा रहा है, वो बात अलग है। देख सकते हैं लैपटॉप का क्या है। मेरा लैपटॉप Ryzen 5 2500U प्रोसेसर है, मेमोरी 16 GB का है, SSD पड़ी हुई है 256 GB की, साथ में ये हार्ड डिस्क पड़ी है मेरे पास, GPU भी खा रहा है। GPU कौन खा रहा है, कंट्रोल डॉट करेंगे सिस्टम डॉट टेक्स्ट को, वायर यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मैनेजर डॉट फाइंड नेम फाइंड बाय नेम एसिंक। तो यहाँ पे मॉडल डॉट यूजर नेम में पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। इफ यूजर नॉट इक्वल टू नल एंड करके रखा है, दोनों कंडीशन होगा। अवेट यूजर मैनेजर डॉट चेक पासवर्ड एसिंक कर रहा हूँ मैं मॉडल यूजर और मॉडल डॉट पासवर्ड को मैं पास कर रहा हूँ। तो मेरे को एक टोकन डिस्क्रिप्टर होगा, न्यू सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर, सब्जेक्ट यहाँ पे होगा न्यू क्लेम्स आइडेंटिटी, न्यू क्लेम होगा न्यू क्लेम यूजर आईडी, और यहाँ पे user id.to स्ट्रिंग करके रखेंगे, एक्सपायर डाल के रखा है, डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ डॉट एट डेट्स वन, डेट टाइम डॉट नाउ भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। और साइनिंग क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, न्यू साइनिंग क्रेडेंशियल्स, न्यू सिमेट्रिक की इनकोडिंग UTF-8.getbytes app settings.jwt secret सजेशन, थोड़ा बहुत दिखाता रहता है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन है, इट्स एक्सेप्शन, इट्स नॉट अ नॉट अ एरर, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन आप थोड़ा करता रहता है, वो विजुअल स्टूडियो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी एल्गोरिथम डाल के रखा है HMAC SHA-256 सिग्नेचर, ये जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप बाकी भी देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी और बाकी और भी मिल जाएंगे आपको। वार टोकन हैंडलर इक्वल टू न्यू सिक्योरिटी टोकन हैंडलर, वार सिक्योरिटी टोकन टोकन हैंडलर डॉट क्रिएट टोकन, टोकन डिस्क्रिप्टर है, वार टोकन इज इक्वल टू टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन सिक्योरिटी टोकन, और यहाँ पे रिटर्न ओके न्यू टोकन, ठीक है। और यानी से फिर डाला यूजर आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट है, इसके अंदर वार करूंगा और एक यूजर रोल्स बना दूंगा मैं, अवेट यूजर मैनेजर डॉट गेट रोल्स असिंक, रोल असिंक होगा और इसमें यूजर पास कर दूंगा, टैब दबा दूंगा, दो मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और ये न्यू क्लेम टोकन डिस्क्रिप्टर डॉट सब्जेक्ट डॉट Add claim कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे new claim होगा, और ये क्या होगा claim types dot role होगा, और इसको एक comma pass करेंगे, और इसमें होगा user। अबे यार ये क्या कर रहा है यार, विंडोज भी यूजर रोल, ठीक है। और इसको मैं हो जाएगा, इसको रन भी कर लेते हैं, डीबग स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। उसके पहले कुछ और चीज़ें भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ। यार सिस्टम क्या बोलूँ यार, सिस्टम बहुत लैग कर रहा है आज, कैन नॉट स्टार्ट, ओके डीबग स्टार्ट विदाउट डीबगिंग फिर से करता हूँ। जब तक वो डीबगिंग स्टार्ट हो रही है तब तक हम क्या दिखा देते हैं आपको, आपको क्या दिखाना था, प्रोग्राम डॉट सी एस दिखाना था मुझे, ठीक है। प्रोग्राम डॉट सी एस में मैंने क्या करके रखा है आप तो थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग वाली मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है, कनेक्शन स्ट्रिंग का अगर क्या कुछ एरर दिखा रहा है, हो रहा है, रन हो गया, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग ये डली हुई है, इस तरह से डेव कनेक्शन से कनेक्शन स्ट्रिंग डालते थे। आइडेंटिटी डाल के डिफॉल्ट आइडेंटिटी ये विकम एमबी यूजर, और यहाँ पे ऐड आइडेंटिटी फ्रेम स्टोर विकम कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे ऐड स्कोर भी डाल के रखे हैं सारे सर्विसेज का, और वार की डाल के रखा है इनकोडिंग की, वीडियो बिल्डर कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन सेटिंग्स JWT secret.to स्ट्रिंग करके रखा है,
बाद में बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन डाल के रखा है, डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम आ रही है, JWT बेयरर डिफॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम डिफॉल्ट चैलेंज है ऑथेंटिकेशन स्कीम, ये दे सकते हैं। ये सिंपल सैम्पल कोड होता है, बॉयलर प्लेट या फिर बोल सकते हैं ये स्पेसिफिकली कोड जो ऑलरेडी इस्तेमाल होता है वो इनकी साइट पे भी है, हम लोग भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर HTTP, मेटा डाटा फॉल्स करके रखा है, सेफ टोकन फॉल्स करके रखा है, न्यू टोकन वैलिडेटर पैरामीटर, ये कुछ पैरामीटर से वैलिडेट यूजर फॉल्स करके रखा है, अब इसको ट्रू भी कर सकते हैं वैलिडेट यूजर और ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद एक और चीज़ थी जो मैं भूल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके मैं वो कर देता हूँ, इसके डॉट एड रोल्स करूंगा, ठीक है। एड रोल्स इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी रोल, कंट्रोल डॉट पुट करते हैं। यार कंट्रोल डॉट से आता क्यों नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता लोडिंग से। दो डॉट हो गया मेरे ख्याल से, फाइन, ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो गया। सिर्फ ऐड रोल्स भी करने हैं, आई वांट टू वर्क विद द रोल्स एज वेल, आई विल बी हैविंग, वी विल बी हैविंग एडमिन, वी विल बी हैडिंग मॉनिटर यूजर्स, और वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंट्रोलर को, अलग अलग कंट्रोलर का एक्सेस किसी स्पेसिफिक यूजर्स को मिलेगा, हो सकता है यूजर्स को कुछ स्पेसिफिक कंट्रोलर्स का एक्सेस हो, एडमिन पेजेस मैं उसको ना दिखाऊँ तो उस लिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी लॉगिन हो गया, ये रजिस्टर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वाले को उठा रहा हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके रेप्लिकेट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल डी नीचे आते हैं, और इसको मैं अभी के लिए डाल रहा हूँ, आई थिंक वी डोंट नीड दिस लेटर ऑन, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर एडमिन कर रहा हूँ मैं, आई एम रजिस्टरिंग एडमिन एज वेल हियर, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये इधर तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, आपको पता है हम लोग कॉपी पेस्ट ही ज़्यादातर करते हैं, हर चीज़ कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट का ही जमाना है, ठीक है। अवेट यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल्स असिंक, ऐड टू रोल्स असिंक, उसके बाद यूज़र होगा, साथ में यहाँ पे क्या होगा, यूज़र होगा, और इसको मैं एक और स्ट्रिंग में मांग रहा है तो इसको मैं एडमिन दे देता हूँ, स्ट्रिंग रोल, ठीक है। आप चाहे तो हार्ड कोड भी कर, मतलब ये छः सही तरीका, ठीक है। और इस बंदे को मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, मैंने एरर क्या दिखा रहा, सेमी कोलन डालना भूल गया था, ठीक है। ये अब इस बंदे को एक और चीज़ कर लेता हूँ, यूज़र भी डाल देता हूँ इस बंदे को, जिस बंदे को मैं करूँगा, ठीक है। बाकी सेव कर लेते हैं और डेटा को अब APIs में टेस्टिंग कर लेते हैं फटाफट, कुछ भी एक छोटा सा रजिस्टर कर दूंगा, टाइड आउट करता हूँ मैं, यूजर नेम पासवर्ड और ये सब चीज़ें, ठीक है। डमी है तो डमी का मैं बता रहा हूँ, डमी है ये, कुछ नहीं, MB और यहाँ पे mb@gmail.com को मैं कहीं पे सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। एक वो ओपन करता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, भाई नहीं तो फिर मैं खुद ही भूल जाऊँगा पासवर्ड क्या है, और फिर देखते रहेंगे पासवर्ड को, यूज़र डिलीट करना पड़ेगा फिर हम लोगों को। एक अबे ये थोड़ा सा 6 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, चलो ये मेरा इस तरह से हो गया, ठीक। और स्ट्रिंग में फुल नेम क्या, MBS कर देता हूँ मैं इसको, और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 9889, ये मोबाइल नंबर भी वो तुम्हारा डमी मोबाइल नंबर है, वी आर नॉट यूजिंग एनी रियल मोबाइल नंबर, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सारे डमी फ़ोन नंबर है, डिस्क्लेमर में भी मैं डाल दूँगा यार, सब कुछ कोई कुछ भी चीज़ें रियल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लॉग इन यहाँ पे पहले मैं आपको डाटाबेस को दिखा देता हूँ, ये हमारा डाटाबेस है, विकीएमएमबी यूज़र, यहाँ पे टेबल्स क्या क्या है ये भी दिखा देता हूँ। और बाकी हम लोग रिएक्ट का काम कर रहे हैं ना, तो कभी कभी लगता है कि जो हम लोग पेजेस डेवलप कर रहे हैं उसमें UI थोड़ा और अच्छी होना चाहिए। ओके भैया यहाँ पे यूज़र रोल्स पोल्स ऑलरेडी बन के आए हैं, तो दिखा देता हूँ मैं HP.NET रोल्स का, यहाँ पे
क्योंकि हम लोगों ने एक बार डेटा को माइग्रेट भी किया था, तो आई डोंट थिंक रोल्स कुछ है नहीं है, यूजर रोल्स है मतलब यूजर्स है। बाकी मैंने यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज करके कर दिया है, आप बता सकते हैं कि डिज़ाइन बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर लाइट थीम ही अच्छा लगता है आपको। ठीक है ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, सक्सीडेड दिखाया, एरर्स में कुछ नहीं दिखा रहा। तो मेरे ख्याल से मेरा सब कुछ डेटा डल गया होगा। फॉर टाइम बिंग मैं यहाँ पे टेस्ट भी कर देख भी लेता हूँ। व्यू डेटा में जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे MBS बन गया, और ये mb@gmail.com, पासवर्ड हैश आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, और ये मोबाइल नंबर आपका इनक्रिप्टेड करके नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड नहीं आता है, तो आप चाहें तो लेटर ऑन कुछ ऐसे लॉजिक लिख के इनक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, रोल्स में जाता हूँ, व्यू डेटा करता हूँ, ये तीन रोल्स बन गए, देख सकते हैं यूजर एडमिन और यूजर, ये अपना ये बन गया, रोल्स बन गया, और रोल्स यूजर रोल्स में जाता हूँ, यूजर रोल्स में अभी कुछ आ नहीं रहा, मतलब ये डेटा इस तरह से खाली है। ठीक है, एक और इस बार क्या करेंगे, इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार एडमिन वाले को डाल देता हूँ, रजिस्टर वाले को हटाता हूँ, कैंसिल करता हूँ मैं, रजिस्टर एडमिन करता हूँ इस बार। ठीक है, ट्राई आउट करता हूँ, और इसी को मैं उठाऊंगा, अब बस यूजर नेम में अलग कर दूंगा, और यहाँ पे मैं पास नेम भी अलग कर दूंगा, यूजर नेम गणेश कर देता हूँ, और बाकी पासवर्ड सेम रखता हूँ मैं, गणेश कर देता हूँ, और यहाँ पे भी गणेश। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो चलता है। ठीक है, ये हो गया, और एग्जीक्यूट मार देते हैं, सक्सीड टू हो गया। अकाउंट कंट्रोलर में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं यूजर रोल्स में क्लिक करूंगा, व्यू डेटा करूंगा, मेरा एक यूजर रोल्स रोल्स बन गया। ठीक है, ये मेरा रोल आईडी, और आप देख सकते हैं तो मेरा एक एडमिन यूजर बन गया, और इसमें यूजर में भी डाला है मैंने, तो मेरा यूजर रोल में आ रहा है, और एक बंदा एडमिन में भी आ जा रहा है, ये वाला बंदा जो जो भी है, ganesh@gmail.com वाला है। दो रोल डाला है मैंने यहाँ पे, एडमिन का डाल दिया और यूजर का डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉग इन करूंगा मैं, ट्राई इट आउट करूंगा मैं, यूजर नेम मेरा क्या है, यूजर नेम MB है, पासवर्ड मेरा यही है, आप पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक बियरर टोकन मिल गया, देखिए इस तरह टोकन मेरा मिल गया। अब क्या करूँगा, एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ जो मैं आपको फटाक से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, कहीं तो जाना है हम लोगों को, जाना था, ये मैंने ऑलरेडी ऑथराइज करके रखा है, तो ब्रैकेट इस तरह से ओपन करेंगे, रोल्स इक्वल डाल दे रखेंगे, और यहाँ पे मैं एडमिन कर दूंगा, तो कमेंट आउट करता हूँ 1 मिनट के लिए, चला था सेंड कर दिया मैंने, यहाँ पे ये दिखा रहा है 403 फॉरबिडन, क्योंकि यार ये अलाउ नहीं कर रहा है इस पीरियड टोकन पे। एक और चीज़ में गेट पे करना है आपको, ध्यान रखे जो आप मेथड क्या है यहाँ पे, HTTP गेट है, HTTP पोर्ट है, पोस्ट है या फिर पुट है, गलती से कुछ और डाल देंगे ना तो आपको काम नहीं करेगा, वो आपको एरर दिखाएगा। गेट डालूंगा, गेट में करके टोकन डाला, 403 दिखा दिया मेरे। बाकी यहाँ पे आप दूसरा वाला टोकन इस्तेमाल करते हैं, अब ये एडमिन भैया है, एडमिन भैया का टोकन इस्तेमाल कर लेते हैं, ये गया इनका, ये कुछ और टोकन आ गया, इनका टोकन आ गया है, तो इसको इस्तेमाल कर ले रहे हैं, आई थिंक काम करना चाहिए इसका, नहीं करेगा तो फिर देखेंगे क्यों काम नहीं कर रहा है। ओके दिखा दिया, और मेरा डेटा आ गया। ठीक है, तो मेरा एडमिन वाला भी अब बढ़िया से काम कर रहा है, एडमिन भी दिखा दिया मैंने, रोल्स को एडमिन कैसे करेंगे, एडमिन यूजर पे काम कर रहा है, बाकी यूजर वाले पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसको मैंने ऑथराइज कर दिया है। यहाँ पे मैंने जब लॉग इन कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं फॉर ईच को वार यूजर, यहाँ पे टोकन डिस्क्रिप्टेड और सब्जेक्टेड एट क्लेम डाल दिया मैंने एक ये, और बाकी आप क्लेम्स और ये आइडेंटिटी इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करें
तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं भी एक्सप्लोर करके आपको थोड़ा बहुत और चीज़ें बता दूंगा। एट डे स्टार के रखा है कि एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा ये टोकन, ये सब चीज़ें। तो आप एट आवर्स और ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं अपने डिपेंडिंग अपॉन क्या देना चाहते हैं आप यूज़र को। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो में रजिस्टर और लॉगिन मैंने दिखाया। बाकी एक और चीज़ करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, एडमिन डैशबोर्ड पैनल बनाएंगे अच्छे से, बन ही रहा है वो, तो और भी मॉडिफाई करेंगे। साथ में एक और चीज़ हम करने वाले हैं क्या, जितने भी रोल्स हो गया, यूज़र्स हो गए, उनकी अलग से स्क्रीन बनाऊंगा और उसको एडमिन ही बंदे को, यूज़र एक किसी स्पेसिफिक बंदे को एडमिन रोल या फिर यूज़र रोल दे सके। यहाँ पे अभी मैं आपको डेमो पर्पसेस के लिए दिखाया कि रजिस्टर एडमिन का मेथड से कोई एडमिट एक्सेस हो सकता है, पर ये जो पोस्ट वाला है ये सबको अवेलेबल नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि इसको भी ऑथोराइज आपको करना चाहिए, ठीक है। इसको भी ऑथोराइज कर सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र भी करना चाहे तो करूँ इस वाले को। इस वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यार कोई भी ये क्लिक करेगा तो एडमिन बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए दिखाया कि इस तरह से आप कर सकते हैं रजिस्टर एडमिट, बट बाकी आप मैं अलग से बनाऊँगा मेथड्स और ये सब चीज़ें अच्छे से बना दूंगा। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय।